हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्यू गुरु तरफ से आप लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा लेक्चर है ये। इसमें आप लोग को हम फोर्थ और फिफ्थ मेथड बताएंगे। इसके पहले लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड मेथड बताए हुए हैं, आप लोग कृपया जाकर देख लें। उसके भी नहीं ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आज आप लोग को फोर्थ बता दे रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ बताऊंगा। इसके बाद और जो आगे टॉपिक है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है फोर्थ में क्या है। अगर मान लीजिए कि हम कोई भी, मान लीजिए एफ वन है और एक्स वाई, मीन एक्स वाई के फॉर्म, मान लीजिए एक्स भी रहेगा वाई भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है। और वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करना पड़ता है, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स रहेगा, तब ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हम क्या बताए, फर्स्ट लेक्चर में कौन सा मेथड बताए थे, अगर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स रहेगा तो एक मेथड यूज करेंगे बताएं, वो फर्स्ट में बताएं। और एक दूसरा और तीसरा मेथड बताएं जिसमें हम दूसरा वीडियो में बताए हैं, जिसमें डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है तो क्या करना है, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है। इसमें भी वही बताने वाले हैं, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग रूल है। जैसे मान लीजिए और सब में था कि जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा क्या मेथड था, मैं आज ये वाला वीडियो में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इसमें क्या देखिए, वाई कॉमन होना चाहिए यहाँ। ये मान लीजिए कोई भी मेथड एक्स वाई का वेरिएबल है, उसमें इधर वाई कॉमन होगा, और उसमें वाई कॉमन नहीं होता था। इसमें वाई कॉमन होगा डी एक्स में और यहाँ डी वाई में एक्स कॉमन होगा, ठीक है। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई वेन एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जो हम आपको बता रहे हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालिएगा, फिर उसमें डेल एन बाई डेल एक्स निकालिएगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होगा तब हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो मेथड ये तब ये मेथड यूज करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई करेंगे। अब इसमें क्या, मान लीजिए कोई भी एम है, जैसे एक्स के बगल में एम रहता है, वो एम को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और वाई के जो बगल में एन रहता है उसको हम वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं उसका वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको एक क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको खुद से सॉल्व करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। तो ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें से आप क्या देख सकते हैं, एक्स कॉमन है। मैंने उसको क्या बोला था इस मेथड में कि डी वाई के बगल में एक्स कॉमन होगा और डी एक्स के बगल में वाई कॉमन होगा। इससे देखिए आप सकते हैं, डी वाई के बगल में देखिए एक्स कॉमन आएगा और यहाँ डी एक्स बगल में वाई कॉमन आएगा, तो निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन जीरो। अब आप लोग देख सकते हैं, एक फॉर्म में आ गया है, जो हम फॉर्म बताए थे, एम एक्स डी वाई प्लस एन वाई डी एक्स। आप लोग बताए थे ना कि डी एक्स बगल में वाई होना चाहिए और डी वाई के बगल में एक्स होना चाहिए, हो गया। अब पहले एम ले लीजिए और एन दोनों को पहले लिख लीजिए, क्या एम कौन सा एन क्या है, एम क्या है, एम इसमें आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन है, ये एम है, और एन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन, ये एन है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालिए, डेल वाई निकालेंगे तो वाई के फॉर्म में करना चाहिए, ये वाई को सिर्फ फॉर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स फॉर्म करिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, टू एक्स वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें
डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है, तब हम क्या करेंगे वो वाला मेथड यूज करेंगे जो बताएं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, जो क्या होता है एम एक्स माइनस एन वाई ये होता है, और इसको निकाल के देखेंगे तो वन बाई माइनस वन बाई टू एक्स वाई आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले वीडियो बताए थे कि जो अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू है तो इस वाला को हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन में से जो हम लोग लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन है ना ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आप मल्टीप्लाई करके आप लोग दिखाते हैं तो क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाइंग माइनस वन बाई टू एक्स वाई इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो करेंगे क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू एक्स डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई बाई टू माइनस वन बाई टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी देख सकते हैं इसमें अब एक दूसरे फर्स्ट वाला मेथड में आके आप लोग जाकर देख लीजिएगा फर्स्ट मेथड में हम क्या बताए थे उसमें ये हो गया एम एन तो डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे प्लस हम इसमें हम क्या बताते हैं कि इस वाला में हम वाई को क्या मानेंगे वाई को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। ठीक है, और इस वाला में फॉर्म में हम क्या करेंगे सिर्फ एक्स वाला को वाई वाला टर्म को ही लेंगे एक्स वाला का टर्म को नहीं लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं उसमें देखिएगा एम एन में सिर्फ एक वाई वाला सिर्फ वैल्यू बचेगा वो है वन बाई टू वाई डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स वाई स्क्वायर बाई टू सबको अलग अलग कर लेते हैं डी एक्स प्लस वन बाई टू एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू वाई डी वाई इक्वल टू सी हो गया। अब इसको देख सकते हैं हम क्या बोल रहे थे इसमें एक्स वाई वाला को बाहर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू फोर हो गया। अब उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बाई टू या माइनस लॉग वाई बाई टू इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस लॉग एक्स बाई टू माइनस लॉग y बाई टू इक्वल टू सी। अब फोर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर लॉग एक्स बाई टू माइनस फोर लॉग y बाई टू इक्वल टू सी, इसे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये हो गया आंसर। इसी तरह आप लोग को अब हम फिफ्थ मेथड बताते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये फिफ्थ है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो रहेगा तब हम क्या करेंगे इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स बाई एन करेंगे बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तब अगर
इस तरह करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे, e दी पावर इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स। अगर इफ अगर इस फॉर्म में रहेगा डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई बाई एम तो बी द फंक्शन ऑफ वाई ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e दी पावर एफ वाई डी वाई। आप लोग समझ तो इतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा होगा लेकिन हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएँ तो कम क्लियर समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ये इक्वेशन है वाई पावर फोर टू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर वाई पावर फोर माइनस फोर एक्स डी वाई जीरो। एम क्या है, डी एक्स प्रॉब्लम जो है वो एम है और डी वाई का प्रॉब्लम जो है वो एन है, ठीक लिख दिए। फिर डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे फोर वाई क्यूब प्लस टू और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो वाई क्यूब माइनस फोर आ गया। तो दोनों को डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई करेंगे अब बाई एम करेंगे, ये देखिए ये आ गया करने पर। फिर डेल एन बाई एक्स नीचे प्रोसेस और लाएंगे क्या करेंगे, याद देख सकते वाई वाई क्यूब है तो माइनस थ्री वाई की पावर क्यूब माइनस सिक्स हो गया बाई वाई, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो वाई क्यूब प्लस टू हो गया। यहाँ से देखिएगा तो माइनस थ्री निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। अब फिर आप देख सकते हैं डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई एम है, यहाँ से आप देखिए बोले ना थ्री कॉमन निकालेंगे अब यहाँ से दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस थ्री बाई वाई। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर क्या बोले थे एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स इसी को जो हम फैलू निकालेंगे उसको एफ एक्स ले लेंगे। यहाँ एफ एक्स माइनस थ्री बाई वाई डी वाई हो गया, उसे करने पर देखिए यहाँ आएगा ई पावर माइनस थ्री लॉग वाई और ई पावर माइनस थ्री को क्या कर सकते हैं ये ऊपर जाता है पावर में आप लोग लॉग वाला फंक्शन से आप लोग देखिएगा तो वाई के पावर माइनस थ्री वाई इक्वल टू अगर ई के पावर लॉग रहता है तो वो क्या होता है वन बाई वाई वन के बाई के डिविडेंड के फॉर्म में होता है, इसलिए जो वाई माइनस क्यूब है तो वो वन बाई वाई क्यूब हो गया। तो हम लोग क्या देखिए वन बाई वाई क्यूब आया मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन में तो फर्स्ट इक्वेशन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये एक फॉर्म निकलेगा वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर एक्स बाई वाई क्यूब डी वाई इक्वल जीरो। अब इसमें हम लोग एम ये हो गया और एन ये हो गया अब इसको डेल एम बाई डेल एक्स निकालें दोनों आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इसके भी जो इक्वेशन बताए थे फोर्थ मेथड उससे बनाइएगा, उससे ये लंबा क्वेश्चन है उस तक बनाइएगा। फिर उसके बाद बनाने के बाद फिर एक इक्वेशन आएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर एक इक्वेशन आएगा उसको उसमें आप क्या होगा डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स इक्वल होगा जो इक्वल होगा आप उससे निकालिएगा फिर एजेक्ट फर्स्ट वाला मेथड से तो उससे आप लोग को इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग आप लोग का ये होमवर्क रहेगा आप लोग बनाकर हमको कमेंट कीजिएगा कि ये आंसर आया है, मैं आप लोग कमेंट को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें।